ओम शांति। आज आपका 153वें दिन का ईश्वरीय वरदान, और इसके पहले के वरदान में आगे बढ़ें, ये जो आपको लिंक ऊपर दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और वहाँ पे क्लिक करके आपको योगासन, चेयर पे बैठकर के आसन कैसे करने हैं जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और साथ ही साथ सोने की विधि, खाने की विधि, क्या नहीं खाना क्या नहीं पीना ताकि आपकी नींद भी पूरी हो, वो भी यहाँ पे मेंशन किया, आप इसको देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के वरदान में परमपिता परमात्मा में कहते क्या है कि हम अपनी स्थिति को स्टेबल कैसे रखें, और वो स्थिति को स्टेबल बनाने के लिए हमें कौन से पॉइंट को याद करना है, और वो पॉइंट कौन से हैं, और वो पॉइंट्स कौन से हैं, और परमात्मा भी तो एक पॉइंट है और हम आत्मा भी तो एक पॉइंट है, तो आत्मा स्टेबल कैसे हो और आत्मा स्टेबल कब नहीं होती है, उसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस वरदान में। तो चले आज के वरदान को हम थोड़ा और विस्तार में लेके चलें। बाबा कहते क्या है इसमें, बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप दूसरा ना कोई का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को भूल जाओ, दूसरे को छोड़ दो, दूसरे बातें करना छोड़ दो, दूसरों से नफरत करना शुरू करो, ये चीजें नहीं है कि आप दुनिया से नफरत करो। नफरत आनी चाहिए दुनिया की गंदगी से, दुनिया में जो बुरी चीज़ें हो रही हैं, इंसान से नहीं। इंसान की गलती नहीं है, इंसान तो कहीं जन्म लेते लेते लास्ट में थक चुका है, सारे चारों तरफ पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, अनाज कम है, प्रकृति भी सुखी नहीं है, प्रकृति में भी हलचल है, कभी तूफान, कभी कुछ, कभी भूकंप, कभी कुछ। तो परमात्मा कहते हैं कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, ये लास्ट का समय है, घर पुराना हो चुका है, पृथ्वी रूपी घर भी पुराना और आत्मा भी जन्म लेते लेते थक चुकी हैं, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई का मतलब है मुझ पर डिपेंड करो सब चीज़ों के लिए, औरों पर मत डिपेंड करो कि आपको वो सुख दें, खुशी दें, प्यार दें, आनंद दें, लेकिन आप मुझसे लेकर के उनको दो, समझ रहे हैं। ये नहीं कि उनको मांगो और उनसे नफरत करो, उनसे दूर हो जाओ, लेकिन मुझसे लेकर के सुख शांति प्रेम उनको देने की कोशिश करो। बात विपरीत है यहाँ पर, और दुनिया क्या करती है, उल्टा करती है। परमात्मा फिर आगे कहते हैं इस पाठ की स्मृति से एकर स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भवा। विस्तार में चलें, एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एकरस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है ना, हमें सारी नॉलेज मिल गई है कि 5000 वर्ष में क्या क्या होता है, क्या क्या समय बीता है, कैसे ये कलयुग आ गया है। पहले तो हम कहते थे कलयुग है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता था कि हम क्या थे कई जन्म पहले, कि हम कितने पवित्र थे। तो कलयुग तो है, सब बुरे हैं, और सब हमें भी देख करके बोलते थे आप भी बुरे हो, आप कितने अच्छे हो, आपके अंदर कौन सी अच्छाई है। तो परमात्मा कहते हैं कि बुराइयां तो सबके अंदर हैं, लेकिन आप थे तो पवित्र ना कई जन्म पहले, तो उस स्मृति में रहो, वो भी तो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें बनना क्या है फिर से। फिर आगे कहते हैं परमात्मा, तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहें, ये है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, कोई व्यक्ति आपको बुरा बोल रहा हो, आपकी गलतियां बता रहा हो, आपके ऊपर चिल्ला रहा हो, आपके ऊपर क्रोधित हो रहा हो, उस समय आप पॉइंट स्वरूप में रह पाते हैं कि नथिंग न्यू, ये पहले भी हो चुका है, इस आत्मा से मैं क्या एक्सपेक्ट करूं। जब बाप मेरा बन गया, परमात्मा मेरा बन गया, तो चाहे कोई चिल्लाए, चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कोई घृणा करे, चाहे कोई आपको उससे नफरत करे, चाहे आपको नीचे दिखाए औरों के सामने, एक परमात्मा मिल गया, खत्म बात, है ना। एक बाप दूसरा कोई, ये प्रैक्टिस करनी है। वो तब हो पाएगा जब आप केवल भक्त नहीं हो, आप सिर्फ भक्ति ना करो, आप घर में बैठ के घंटियां ना बजाओ, आप सिर्फ परमात्मा को पुकारो नहीं, आप परमात्मा से संबंध जोड़ो, आप उनके प्यार में हो, तब जाकर के होता है। जब स्त्री अपने पुरुष के प्यार में होती है तो कोई और व्यक्ति आकर के उसको खींचने की कोशिश करे, उसको अपनी तरफ तानने की कोशिश करे, तो उसको कोई असर नहीं पड़ता, उसको हंसी आती है उन चीज़ों पर, क्योंकि उसका प्यार उसके पति के साथ में होता है। परमात्मा कहते हैं मैं भी तो तुम आत्माओं का पति हूँ, पति परमेश्वर हूँ तुम्हारा मैं, तो तुम और लोगों की बातों में क्यों उलझते हो, क्यों फंसते हो, क्यों बुरा मानते हैं उनकी बातें। तो बाबा कहते हैं आगे, खींच रहा हो कोई, कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कोई चीज का नुकसान हो गया, अरे ये कैसे कर दिया, उसने ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये तोड़ दिया, वो खराब कर दिया, इसको ये ठीक नहीं किया, ये चीजें आ सकती हैं। कभी वायुमंडल,
घर का वायुमंडल आपको पसंद नहीं, किसी की आदतें आपको किसी को पसंद नहीं, ऑफिस में आपको बॉस पसंद नहीं आ रहा, आपको सबॉर्डिनेट्स पसंद नहीं आ रहे, वायुमंडल खराब है वहाँ का, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है घर में, या कोई भ्रष्टाचार कर रहा है बिजनेस में, कोई जॉब में भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन गंदी है, आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये तो होगा ही, बाबा कहते हैं, लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, ये सारी चीजों को फेस करते हुए, नथिंग न्यू होते हुए, साक्षी होकर के देखते हुए, मुझे किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब एक्सपेक्टेशन होती हैं, इच्छाएं होती हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमसे प्यार से बात करे, ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम करे, ये बॉस अच्छे से बात करे, ये बॉस मुझको ही अटेंशन दे, ये सबॉर्डिनेट्स मेरी बात माने, ये घर वाले बच्चे मेरी बात माने, या पति मेरी बात माने, या वाइफ मेरी बात माने, घर में शांति हो, घर में मेरे अनुसार चलें। पर मैं तो कहते हैं ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना ड्रामा पार्ट फिक्स्ड है, उसको आप चेंज करोगे तो आप थक जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए पॉइंट बन जाओ, नो पॉइंट इन चेंजिंग अदर्स, किसी को चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और सबके पॉइंट को साक्षी होकर के देखो, सबके ड्रामा को साक्षी होकर के देखो, और कोई कुछ आपको कहे वो अपना पार्ट खेल रहा है, मेरा पार्ट क्या, शांति में रहना, परमात्मा की याद में रहना। तो परमात्मा की याद है, परमात्मा से प्यार है, तो आपको कोई हिला नहीं सकता, औरों से प्यार है, औरों से इच्छाएं हैं, तो आप हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे, आप थाली के बैंग बन जाएंगे, कभी इसके प्यारे बन जाएंगे, कभी उसके प्यारे बन जाएंगे, कभी ये व्यक्ति इस लगेगा, फिर वो कुछ गलत कहेगा आपके बारे में तो आपको बुरा लगेगा, फिर आप उसकी तरफ चले जाएंगे, दूसरे व्यक्ति की तरफ, आप डामाडोल होते रहेंगे, डोलते रहेंगे, परमात्मा वहां पे दिखाई नहीं देगा। फिर बाबा कहते हैं यह सब विस्तार समाप्त हो, एक स्थिति रहे, है ना, इतना विस्तार में नहीं जाना, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी ये अच्छा लगा, कभी वो अच्छा लगा, कभी ये जगह अच्छी लगी, कभी वो जगह अच्छी लगी, कभी ये शहर अच्छा लगा, कभी वो शहर अच्छा लगा, कभी ये खाना अच्छा लगा, कभी वो खाना अच्छा लगा, ये सारी चीजें आपको कभी ना कभी दुखी करेंगी। तो कभी वस्तु, कभी व्यक्ति, कभी परिस्थिति के ऊपर अगर आप इच्छाएं रखते हो कि आपको सुख दें, शांति दें, तो आप कलयुग में आप गलती कर रहे हो। इसलिए परमात्मा ही सुख, शांति, प्रेम, आनंद का सागर है, उन पे डिपेंडेंट हो जाइए। आगे बढ़े तो तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी, तब आप जाके श्रेष्ठ आत्मा बन पाएंगे, नहीं तो अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो आप कभी क्रोध में होंगे, कभी आपको ईर्ष्या होगी, कभी आपको घृणा होगी, तो आप उत्तेजना में आते रहेंगे और परमात्मा भी भूल जाएगा, और वो व्यक्तियों के साथ में झगड़ा और विकर्म बनते जाएंगे, पाप कर्म होते जाएंगे, आप भारी होते जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं साक्षी होकर के देखो और परमात्मा को साथी बना लो, परमात्मा के प्रेम में रहो और किसी से कोई इच्छा ना रखो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको प्रेम ना दो, आप उनको ठुकरा दो, आप उनसे दूर हो जाओ, उनसे नफरत करो, आप उनसे बुरी बातें करो, आप उनसे क्रोधी हो, नहीं, कि मेरे को भगवान तो मिल गया, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं। परमात्मा कहते हैं मुझको याद करो, मुझसे प्रेम, सुख, शांति लो और औरों को बांटो। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान, आप सुखी रहें, शांत रहें, ओम शांति।